पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा के रेडियोलॉजी विभाग से लंबी छुट्टी पर गई रेडियोलॉजिस्ट एक महीने बाद भी नहीं लौटी हैं। इससे मेडिकल कॉलेज में एमआरआई और सीटी स्कैन की सेवाएं ठप पड़ गई हैं। मरीजों को 4 से 5 हजार रुपए देकर निजी डायग्नोस्टिक सेंटर में एमआरआई और सीटी स्कैन करवाने पड़ रहे हैं। ए रानी की बात है कि सरकार रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती को लेकर कुछ नहीं कर पा रही है। स्वास्थ्य विभाग की अस्थायी व्यवस्था करने में भी असफल रहा है। जिले के अन्य किसी भी सरकारी अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। ऐसे में विभाग चाहकर भी अस्थायी व्यवस्था नहीं कर पा रहा है। रोजाना मेडिकल कॉलेज में 5 से 10 मरीजों को सीटी स्कैन और एमआरआई करवाने की सलाह दी जाती है। इन मरीजों को सरकारी के बजाय निजी सेंटरों में 4 गुना अधिक पैसे देकर टेस्ट करवाने पड़ रहे हैं। मौजूदा समय में मेडिकल कॉलेज के पास एक ही रेडियोलॉजिस्ट है। वह दिन भर मरीजों के अल्ट्रासाउंड करने में व्यस्त रहता है। अस्पताल में 2 से 3 अतिरिक्त रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती होना जरूरी है। लोगों में हंसराज, संजय शर्मा, विनोद कुमार, किशोर, धर्मपाल, बाबा खन्ना और दीपक जोशी ने बताया कि मेडिकल कॉलेज जिला का सबसे बड़ा स्वास्थ्य संस्थान है। ऐसे में वहां रेडियोलॉजिस्ट के पद खाली नहीं रहने चाहिए। जिले भर के मरीज यहां इलाज करवाने आते हैं। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विपिन ठाकुर ने बताया कि सरकार को रेडियोलॉजिस्ट के रिक्त पदों के बारे में अवगत करवाया है। जल्द सरकार रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती कर सकती है।